फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि डायरेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के जरिए चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में इस इलेक्ट्रिक आयरन की प्लग को लगाया है और जब हम इस हीटिंग नॉब को कम या ज़्यादा करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जैसे जैसे हम इस नॉब को रोटेट करते हैं, हमारे आयरन की हीटिंग ने कम और ज़्यादा होना चाहिए और उस कंडीशन में जो हमारा बल्ब है उसने भी कम या ज़्यादा होना चाहिए। बट देखिए, जब हम नोब को रोटेट कर रहे हैं उस कंडीशन में हीटिंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। दैट मीन्स हमारे आयरन का जो थर्मोस्टेट है जो कि हीटिंग को कंट्रोल करता है वह डायरेक्ट हो चुका है। सबसे पहले किस तरह से रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, नोब को अभी हमने रिमूव कर लिया है और यहाँ पर देखिए, आपके पास किसी भी मॉडल की इलेक्ट्रिक आयरन हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रू को ओपन कर बैक कवर को यहाँ से निकाल लेना है। देखिए, सबसे पहले हमने बैक कवर को ओपन कर लेना है। अभी देखिए, यहाँ पर जो केबल है, यहाँ पर इनपुट कनेक्शन लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है, तो लाइन और न्यूट्रल को सबसे पहले हमें यहाँ से रिमूव कर लेना है। किस तरह से कंप्लीट फिटिंग की जाएगी, किस तरह से रिपेयरिंग की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरह से समझेंगे। चलिए, यहाँ पर केबल को लॉक करने के लिए देखिए, यहाँ पर इसे भी अभी हमें रिमूव कर लेना है। देखिए, लॉक दिया जाता है जिसके ज़रिए हमारी केबल फिक्स्ड रहती है। यहाँ से कनेक्शंस नॉर्मली हमारे पास लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग के कनेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन को रिमूव कर लेना है। देखिए, आपके पास किसी भी मॉडल के इलेक्ट्रिक आयरन हो उसमें इसी तरह से आपको कनेक्शन दिए जाते हैं, इसी तरह से आपको ओपन करना होगा। एक या दो स्क्रू अलग अलग मॉडल के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने कनेक्शन को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर दो स्क्रू आपको दिए गए हैं, इन्हें भी आपको ओपन कर लेना है। एक स्क्रू इस तरफ होता है। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक आयरन की मेन प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल भी हीटिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ही हमारी इलेक्ट्रिक आयरन कंटिन्यू गर्म होती जा रही है। चलिए, इस कंडीशन में भी हमें सबसे पहले से ओपन करना होगा, फिर किस तरह से इसमें क्या प्रॉब्लम है समझेंगे। नॉर्मली हीटिंग को कंट्रोल करने का जो फंक्शन होता है थर्मोस्टेट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले हमें थर्मोस्टेट को चेक कर लेना है। चलिए, अभी हमने देखिए यहाँ से इस कवर को ओपन कर लेना है। देखिए, ये हीटिंग एलिमेंट जो आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, हीटिंग एलिमेंट है और बीच में देखिए यहाँ पर, चलिए हम थोड़ा पास से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये थर्मोस्टेट होता है जो कि हीटिंग को कंट्रोल करता है। देखिए, ये थर्मोस्टेट को देखिए। देखिए, थर्मोस्टेट का यहाँ यदि हम ध्यान से देखते हैं, देखिए जब इसे रोटेट किया जा रहा है तो थर्मोस्टेट बिल्कुल भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग की वजह से वह चिपक गया है। देखिए, अभी हम इसे रोटेट करें, थोड़ा को अच्छे से दिखाने की कोशिश करते। देखिए, अभी एलिमेंट इसका रोटेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हो रहा क्योंकि ये चिपक चुका है। चलिए, इसे हम टेस्टर से थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीचे वाले पॉइंट को अभी हमने हल्का सा अलग किया। देखिए, अब इसका पॉइंट देखिए हल्का सा, हम आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इसका पॉइंट जो है वो रोटेट कर रहा है। देखिए, नीचे से आप नीचे का पॉइंट देखिए, नीचे का पॉइंट अब इसका रोटेट करने लगा है। क्या हुआ था, ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से पॉइंट जो है वो चिपक गया था, जिसके चलते थर्मोस्टेट हीटिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, डायरेक्ट ऑन कर रहा था। अभी देखिए, हमने उस पॉइंट को अलग कर दिया है। फिर से सीरीज बल्ब से चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज बल्ब के ज़रिए अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, थर्मोस्टेट पर लगाया है। अभी देखिए, हीटिंग को जब हम इस नॉब को घुमा रहे हैं तो हमारी हीटिंग ऑन एंड ऑफ हो रही है इस नॉब के ज़रिए। देखिए, ऑन ऑफ इस नॉब के ज़रिए हम काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। पहले हम इसे ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट है वो थर्मोस्टेट का चिपक गया था। तो सिंपल सा, यदि आपका हल्का सा कॉन्टेक्ट चिपका है तो आप इसे रिमूव कर सही कर सकते हैं। यदि वह कार्बनाइज हुआ है तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं कार्बनाइज को हल्का सा अलग कर। बट यदि वो पूरी तरह से चिपक चुका है और जल गया है तो उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट को रिप्लेस करना होगा। हमारी कंडीशन में क्या हुआ, थर्मोस्टेट हल्का सा चिपका हुआ था तो हमने उसे अलग कर दिया। चलिए, अभी हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हमने ओपन किया था उसी तरह से इसकी फिटिंग करना है। नॉर्मल कंडीशन में
हीटिंग यदि आपकी कंट्रोल नहीं हो रही या तो स्टार्ट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में भी थर्मोस्टेट का ही प्रॉब्लम होगा। यदि कंट्रोल नहीं हो रही है, डायरेक्ट हो गई है, तो भी थर्मोस्टेट का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हीटिंग को कंट्रोल करने का काम थर्मोस्टेट का होता है। चलिए अभी हम यहाँ पर से फिट कर लेते हैं, अब इस कवर को लगा लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ से दो स्क्रू को रिमूव किए थे, दो स्क्रू यहाँ पर हमें लगा लेना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि हीटिंग कंट्रोल किस तरह से होती है। तो हीटिंग कंट्रोल करने का मेन फंक्शन थर्मोस्टेट का ही होता है। जब भी आपकी हीटिंग डायरेक्ट हो रही है या हीटिंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको थर्मोस्टेट को चेक करना है, केबल को चेक करना है। कई बार केबल भी डैमेज हो जाती हैं, और इस तरह से आप इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसे फिट कर लेते हैं, फिर इस इलेक्ट्रिक आयरन को हम आपको रन कर कर भी दिखाएंगे किस तरह से ये प्रॉपर वर्क कर रही है। देखिए अभी हमने इसके कवर को फिट कर लिया, अब इसका बैक कवर को हमें लगा लेना है, केबल को फिट कर लेना है। देखिए यहाँ पर अभी हम इसके बैक कवर को लगा लेते हैं, केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अर्थिंग को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो अर्थिंग का कनेक्शन आप सबसे पहले कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लाइन वायर को लगा लेते हैं। सिंपल सा सिंगल फेज सप्लाई, आप किसी भी वायर को इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन को न्यूट्रल के प्लेस पे या न्यूट्रल को लाइन के प्लेस पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पर इस लाइन वायर को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी इनपुट पावर सप्लाई भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी इस बैक कवर को हमें लगा देना है, फिर हम आपको इस इलेक्ट्रिक आयरन को रन कर कर भी दिखाएंगे। नॉर्मली फिटिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन को ओपन किया जाता है, किस तरह से फिट किया जाता है। देखिए इस तरह से केबल को लॉक करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो जब आप प्रेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जाएंगे तो उस कंडीशन में केबल आपके खींचा सकती है। तो आप इस लॉक को ज़रूर लगाइए, पीछे इस बैक कवर को भी आप लगा दीजिए जिस तरह से आपने ओपन किया था। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग नहीं आ रही है तो आप किस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं, इस नॉब को आपको लगा देना है। इस नॉब के ज़रिए ही थर्मोस्टेट आपका कंट्रोल होता है, हीटिंग वहाँ पर सेट होती है। यदि आपको हीटिंग को ऑन या ऑफ करना है तो उस कंडीशन में भी आपको इस नॉब को रोटेट करना होता है। चलिए पहले हम इस नॉब को फिट कर लेते हैं, देखिए प्रॉपर फिट हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। देखिए अब हम इसे पहले ऑन कर लेते हैं, देखिए अभी हमारी जो हीटिंग है वो ऑन ऑफ हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नए इन्फॉर्मेशन सीखे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही।